हेलो एवरीवन, आज आपको मैं चंदेरी कॉटन के ब्लैक कलर के दुपट्टे पर मेपल लीव्स कैसे बनाई जाती हैं फ्री हैंड पेंटिंग आपको बताने जा रही हूँ। काफ़ी कलरफुल दुपट्टा है, ब्लैक कलर के ऊपर रेड, येलो और ग्रीन कलर की लीव्स बहुत ही चमक के आ रही हैं। तो ये मटेरियल है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि रिक्वायर्ड है। कलर्स तीन चार तरह के कलर्स हैं और ब्रशेस हैं। ये जो ब्रश है ये फैन ब्रश कहलाता है। इसके जो जो ब्रशेज होते हैं वो काफ़ी फैले हुए फैन की तरह होते हैं। तो वैसे तो आप इसको नॉर्मल ब्रश की तरह भी नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ये वाले लीव्स बनाने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये फैला हुआ ब्रश है, तो जब स्ट्रोक लगाते हैं कलर के तो थोड़े इधर उधर इधर उधर फैले हुए से आते हैं। बेसिकली जो मुझे इस लीव्स के लिए बेसिकली चाहिए उस तरह से इसका कलर इस तरह से आता है। तो फैन ब्रश मैंने यूज़ किया है 6 नंबर का। आप चाहें तो फ्लैट ब्रश से या जैसे भी आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने किनारी बनाई है वो आप राउंड ब्रश या फ्लैट ब्रश किसी से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लेमन येलो कलर लिया था, जिससे कि मैंने ये इस तरह से इसकी फैन ब्रश के थ्रू इसकी पूरी किनारी बनाई है। और बहुत इजी है, मतलब एक लीव्स स्टाइल में आपको बनाना है और फिर उसी को रिपीट करना है छोटा और बड़ा। आपने जैसे देखा होगा पेंटिंग में देख रहे हैं उसी तरह से करना है। उसके बाद मैंने ये इसमें क्रोम येलो कलर इसके ऊपर यूज़ किया है। और वो जो क्रोम कलर मैंने येलो पहले तो फैन ब्रश से ही लगाया था, और उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लेकर उसको डैप कर दिया है, वो कलर ना पूरा उसमें मिक्स करा है उसको मैंने बेसिकली। और बाद में ये सैप ग्रीन कलर से मैंने उसमें उसकी विंग्स बनाई हैं लीव्स के अंदर। अब ये मैं दूसरा फ्लावर बना रही हूँ, इसमें भी मैंने इसमें मैंने लेमन येलो कलर यूज़ किया है। ये लेमन कलर से मैं दूसरी लीव्स बना रही हूँ, और इसी के ऊपर बाद में ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया है, जो कि लाइट ग्रीन कलर है। इसका ये फैब्रिका कंपनी का कलर है। एक्चुअली मैंने दो कलर यूज़ करे हैं, दो ब्रांड यूज़ करी हैं। एक फैब्रिका एक्रेलिक कलर्स हैं और एक फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स हैं। एक्चुअली जो शेड मुझे जिस कंपनी के पसंद आए मैंने वो यूज़ करे। और मैंने आपने देखा होगा वीडियो में देख रहे हैं कि मैं बड़ी बॉटल्स से ये कर रही हूँ। बेसिकली मेरी आदत जो है वो कलर पैलेट में कलर लेने की नहीं है, उसके थ्रू कलर से नहीं, मैं डायरेक्ट बॉटल में से ही लेती हूँ। और ये फैन ब्रश जो है ये काफ़ी ब्रॉड है, जो कि बॉटल्स में नहीं जा रहा था ठीक से, तो इसलिए मैंने जो बड़ी वाली बॉटल्स हैं मेरी जो मैं पेंटिंग्स के लिए क्योंकि मैं करती हूँ, तो मैंने उसमें से डायरेक्ट कलर लिया है। नॉर्मली क्या करती हूँ कि बड़ी बॉटल्स में से कलर मैं छोटी जो कांच की बॉटल्स आती हैं उनमें कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने बड़ी वाली बॉटल में से लिया है। और आप नहीं तो पैलेट में कलर निकाल लीजिए उसके बाद कर सकते हैं, पर मेरी हैबिट नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बॉटल में से यूज़ करती हूँ। अब ये मैं विंग्स बना रही हूँ इस वाली, ये दूसरी लीव, हाँ ये जो मैंने पहले बनाया थे लीव मेपल लीव उसकी विंग्स हैं। और देखिए ये कैसा लग रहा है बनने के बाद में। अभी इसकी हम थोड़ी सी फिनिशिंग भी करेंगे वाइट कलर से। देखिए अब ये वाइट कलर से मैं क्या करूँगी, इनकी आउटलाइंस बनाऊँगी। आउटलाइन क्या है, मैंने लगातार ब्रश को उसकी एक वैसी आउटलाइन नहीं करी कि मैं बिल्कुल किनारे 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 पूरा करती गई हूँ। मैंने ये लाइंस ब्रोकन लाइंस हैं एक्चुअली, कहीं पर है कहीं नहीं है कलर वाइट कलर, और उसकी मैंने किनारी कर दी है ये। और अंदर विंग्स भी कहीं कहीं बनाई हैं, देखिए इस तरह से करा है, पूरा किनारा पूरा वाइट से नहीं करा है, कहीं कहीं करा है कहीं नहीं करा है। और इसके लिए मैंने बिल्कुल पॉइंट राउंड ब्रश यूज़ करा है किनारी बनाने के लिए और वेंस बनाने के लिए। अब ये मैंने गोल्डन कलर येलो की पत्ती बना रही हूँ, और इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर से और रेड कलर दोनों कलर से मैं शेड देने वाली हूँ। एक्चुअली ब्लैक कलर पर येलो और जो लाइट ग्रीन कलर है ना वो एकदम चमक कर आते हैं, और रेड अगर आप
खालिस रेड लगाएंगे तो वो नहीं इतना चमक कर आएगा, बल्कि अगर हम येलो बेस करते हैं उसके ऊपर रेड का शेड देते हैं तो वो चमक के आएगा। तो इसलिए हमने नॉर्मली आपने देखा होगा मैंने बेस कलर में या तो लाइट सॉरी लेमन येलो यूज़ किया है या क्रोम येलो यूज़ किया है, उसके बाद मैंने दूसरे कलर लगाए हैं, उसके बाद मैंने रेड लगाया है, ग्रीन लगाया है, ग्रीन भी मैंने लाइट ग्रीन यूज़ करा है। तो लाइट ग्रीन आप उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन खाली ग्रीन कलर में वो तब तक उसमें येलो का शेड नहीं लगेगा तो ब्लैक के ऊपर वो चमक के नहीं आएगा उतना। तो हर जैसे रेड कलर की भी मैंने लीव्स बनाई हैं तो उसमें येलो कलर मिक्स किया है, और ग्रीन कलर की भी बना रही हूँ तो उसमें भी मैं येलो मिक्स कर रही हूँ, और येलो मेरा थोड़ा प्रोमिनेंट रहेगा। आपने देखा होगा ऑटम लीव्स देखी होंगी तो उनमें येलो कलर मेन होता है और रेड कलर की लीव्स होती हैं, और जब वो पत्तियाँ हरी होती हैं तो शुरू में तो हरी होती हैं, फिर धीरे धीरे वो पीली और लाल रंग लेने लगती हैं। तो देखिए इस वाली लीफ में रेड भी है, ग्रीन भी है और थोड़ा येलो भी है। एक्चुअली जब वो फ्रेश होती हैं पत्तियाँ तो ग्रीन की होती हैं, जब वो थोड़ी सी जब झड़ने को होती हैं पत्तियाँ तो धीरे धीरे पीली पड़ती हैं और फिर वो लाल हो जाती हैं और बाद में वो बिल्कुल झड़ जाती हैं, सब नीचे गिर जाती हैं पत्ते बिल्कुल ऑटम कलर के बाद में जब ट्रीज होते हैं बिल्कुल विदाउट कोई उनमें लीव्स नहीं होती हैं। ये मैं छोटी लीव्स भी बना रही हूँ। आप टोटल इसका जो भी जो दुपट्टे का जो मैंने डिज़ाइन जिस तरह से डिस्प्ले जिस तरह से मैंने किया है वो आप बाद में या शुरू में ही मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई हैं, आप उससे आइडिया ले लीजिएगा कि मैंने किस तरह से इनको डिस्प्ले करा है लीव्स को, छोटी और बड़ी लीव्स को। अभी तो ये मैंने ये छोटा फैन ब्रश लिया है छोटी लीव्स के लिए, जो कि 3 नंबर का फैन ब्रश है। आई होप कि आपको मेरा ये दुपट्टा पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा दुपट्टा मेरी पेंटिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं मेरी आगे की वीडियोज़ में। और पेंटिंग से लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको समय पर आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे सकूँ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।